फेब सोटोशो पे एमजी कंपनी ने अपनी दो प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया था। एक तो एमजी की सर्विस 30, उसके अलावा एमजीएचएस की पीएचईवी थी जो कि न्यू जनरेशन लॉन्च की गई थी। एमजी की तरफ से ये फर्स्ट स्पोर्ट्स कार है जो कि ऑल इलेक्ट्रिक में पाकिस्तान में लॉन्च की गई है। उसके अलावा पाकिस्तान के अंदर कोई भी ऑफिशियल कंपनी की तरफ से स्पोर्ट्स कार लॉन्च नहीं की जाती थी। एमजी कंपनी ने पाकिस्तान के अंदर ऑफिशियली इसको लॉन्च किया है और ये इंटरनेशनली भी अभी रिसेंटली लॉन्च की गई है। 100th एनिवर्सरी पे इसको लॉन्च किया है। पहले एमजी कंपनी की एमजी एफ आती थी 2010 में एमजी एफ को इन्होंने डिसकंटिन्यू करके 14 सालों के बाद एमजी सर्विसर को लॉन्च किया, जो कि एक तो न्यू जनरेशन है स्पोर्टी लुक से और एक इसके काफ़ी यूनिक फीचर है जो कि इसके सीजर डोर्स है। पाकिस्तान के अंदर आपने पोर्शे टाइकान और भी काफ़ी प्रोडक्ट्स देखी जो कि ऑल इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार आती है, बट वो आपको फोर डोर्स मिलती है और सीजर डोर्स नहीं मिलते। इस स्पेसिफिक व्हीकल में आपको सीजर डोर्स ऑफर किए जाते हैं। अगर आप इसके डोर को रिमोट से भी क्लोज करना चाहते हैं, हम लोग इसके डोर को रिमोट से ओपन और क्लोज कर सकते हैं। उसके अलावा इसके डोर्स को हम लोग 5 वेज से लॉक अनलॉक कर सकते हैं। अगर मैं रिमोट से करना चाहता रिमोट से कर सकता हूँ, अगर मैं यहाँ बटन से इसको ओपन और क्लोज करना चाहता मैं बटन से ओपन और क्लोज कर सकता हूँ। इंटीरियर पे भी आपको बटन ऑफर किए जाते हैं जिससे हम लोग इसको ओपन और क्लोज कर सकते हैं। ये तो ये 100% इलेक्ट्रिक है, तो इसको पाकिस्तान में 2 वेरिएंट्स के अंदर लॉन्च किया गया है। तो एक तो ऑल व्हील ड्राइव और एक रे व्हील ड्राइव। ये स्पेसिफिक व्हीकल रे व्हील ड्राइव जो कि अराउंड 500 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है और 725 Nm ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करती है। बैटरी पैक की तरफ आ जाए तो इसके अंदर 77 kW की बैटरी मिलती है जो कि आपको अराउंड 500 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करती है। उसके अलावा अगर इसके परफॉर्मेंस फिगर्स को देखें तो वो काफी इंप्रेसिव है। परफॉर्मेंस फिगर्स इसके 0 to 100 3.2 सेकंड्स के अंदर 1, 2, 3 0 to 100 पे ये गाड़ी जा सकती है। फ्रंट प्रोफाइल पे आने से पहले हम लोग पहले गाड़ी के डोर्स को अगर क्लोज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको डोर्स ऑटो मिलेगा जिससे हम लोग इसके की से भी डोर्स को क्लोज कर सकते हैं। तो ये सीजर डोर्स आपको ऑफर किए जा रहे हैं जो कि पाकिस्तान की फर्स्ट ऐसी गाड़ी है जो कि स्पोर्ट्स कार है और सीजर डोर्स के साथ है और एक तो 2 डोर है और 100% इलेक्ट्रिक है। फ्रंट प्रोफाइल पे देख ले तो यहाँ पे आप इसके जो कि हेलमेट्स का डिजाइन देखते काफी स्पोर्टी लुक्स प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे प्रोजेक्टर हेलमेट्स आ जाते हैं ऑटो फीचर के साथ और ये एडेप्टिव लाइट्स है। उनकी जो कि डिजाइन कॉम्बिनेशन है वो काफी स्पोर्टी मिल जाती है। यहाँ पे डिफ्यूजर बम्पर मिल जाएगा जिसमें पियानो ब्लैक का टच नजर आता है। एमजी का यहाँ पे फ्लैट लोगो मिलेगा और इसकी जो कि ओवरऑल फ्रंट प्रोफाइल है काफी फ्लैट है। फ्रंट पे बम्पर पे सेंसर्स मिलेंगे, उसके अलावा इसमें रेन सेंसिंग वाइपर्स और इसमें एडास भी ऑफर किया जाता है। साइड प्रोफाइल से लुक्स को देखते तो ये प्रॉपर एक स्पोर्ट्स कार की लुक प्रोवाइड करती है। और एक और चीज, आपको कन्वर्टेबल रूफ मिलती है। कन्वर्टेबल रूफ इसकी 50 की स्पीड लिमिट पे ओपन हो सकती है। अगर आप 50 की स्पीड लिमिट से डाउन है तो आप इसकी रूफ को ओपन कर सकते हैं, मतलब के ड्राइव करते हो। अलॉय व्हील्स डिजाइन की तरफ आए तो हाइपर अलॉय व्हील्स मिलेंगे जो कि सिल्वर पियानो ब्लैक और यहाँ पे ब्रेक कैलिपर्स आपको दिए जा रहे हैं। इसकी ब्रेकिंग काफी अच्छी है। 20 इंचेस अलॉय व्हील्स मिलेंगे। डिस्क ब्रेक्स, स्टेबिलिटी कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल और ABS के फंक्शंस मिल जाते हैं। यहाँ पे भी पियानो ब्लैक का यूज नजर आता है। साइड स्केच पे पियानो ब्लैक का यूज नजर आता है। साइड मिरर्स की तरफ आ जाए तो यहाँ पे डिटेक्टेबल मिरर्स मिलेंगे। 10 इंडिकेटर्स मिलेंगे। 360 कैमरा का सेटअप ऑफर किया जाता है। ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर मिल जाता है। डोर्स के ऊपर यहाँ पे एक सेंसर मिलेगा और यहाँ पे अप साइड पे एक सेंसर मिलेगा। ये बेसिकली ये डिटेक्ट करता है कि अगर गाड़ी के करीब कोई ऑब्स्टेकल होगा इसके डोर्स ओपन नहीं होंगे। जिस तरह आपने पार्किंग सेंसर्स देखे गाड़ी में, तो हम लोग इस तरह डोर को ओपन करते हैं। अभी मैं गाड़ी के करीब हूँ, ये ओपन नहीं होगा। आप देख सकते ये रुक गया। वजह ये थी, इस वजह से रुका कि मैं गाड़ी के करीब हूँ। अगर मैं गाड़ी से दूर जाऊँगा ओपन होगा। लेकिन आप देखें इसके ऊपर भी सेंसर है, यहाँ पे भी सेंसर है, ये ओपन नहीं होगा। अभी वापसी इसको मैं ओपन करूँगा। वैसे तो अभी नीचे जा रहा, अभी मैं इसको वापसी ओपन करता हूँ। देख सकते हैं ओपन नहीं हुआ। इसके साइड पे भी सेंसर मिलेगा, अप साइड पे भी सेंसर मिलेगा। इससे ये होगा, ये इसका डोर ओपन नहीं होगा क्योंकि कई अप साइड पे भी कोई ऑब्स्टेकल मौजूद होता, कोई साइड पे भी ऑब्स्टेकल मौजूद होता, तो इस वजह से ये ओपन नहीं होगा ताकि किसी चीज़ को हिट ना करे क्योंकि काफ़ी एक्सपेंसिव व्हीकल है। तो इसको हम वापसी क्लोज करते ये क्लोज हो जाएगा। बाकी इसके हम डोर्स को कुछ इस तरह से ओपन और क्लोज कर सकते हैं। अभी ये ओपन होते हैं, इसको मैं मैनुअली भी क्लोज भी कर सकता हूँ क्योंकि जब गाड़ी की बैटरी डाउन होगी इसको हम मैनुअली क्लोज कर सकते हैं। की से ओपन क्लोज कर सकते हैं। यहाँ बटन मिलेगा, इंटीरियर पे एक बटन मिलेगा और सेंटर कंसोल जो गाड़ी का मैं आपको इंटीरियर पे जाके दिखाऊंगा वहाँ पे भी हम इसके डोर्स को क्लोज कर सकते हैं जब हम गाड़ी के इंटीरियर पे बैठेंगे। फ्रंट लुक्स के साथ साथ इसकी रे प्रोफाइल भी काफ़ी अट्रैक्टिव लुक के साथ आ जाती है क्योंकि ये ऑल इलेक्ट्रिक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं LED बार लाइट मिलेगी जो कि इंडिकेट करती है कि ये ऑल इलेक्ट्रिक और 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल है। यहाँ पे देखिए काफ़ी स्पोर्टी फिनिशिंग में LED टेल लैंप्स मिलेंगे। बम्पर पे पियानो ब्लैक का यूज़ नजर आ गया। पार्किंग सेंसर्स इंटीग्रेटेड आते हैं। साइबर स्टार की ब्रांडिंग आती जो कि इस गाड़ी की लुक्स को और काफ़ी बेहतर बनाती क्योंकि इसके जो फोन्स का आप स्टाइल देखेंगे ये मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा है। MG का लोगो आपको यहाँ पे मिलना चाहिए लेकिन यहाँ पे मिलेगा। डिफ्यूज़र बम्पर आता है, ब्रेक लैंप आएगा, यहाँ पे बटन मिलेगा जिससे हम लोग इसके ट्रंक को ओपन करते हैं। तो ये मैनुअली ओपन होगा। यहाँ पे ट्रंक स्पेस भी काफ़ी स्पेशियस मिल जाती है। ट्रंक स्पेस के साथ साथ हम लोग अगर देखें इसको मैनुअली क्लोज करेंगे
गाड़ी के इंटीरियर पे आते तो इंटीरियर इस गाड़ी का काफी लग्जूरियस है। उसके अलावा इंटीरियर पे देखे तो इंटीरियर ड्राइवर फोकस है। अगर आप देखें तो यहाँ पे एक स्क्रीन मिलेगी, सेंटर पे स्क्रीन एमआईडी मिलेगी और लेफ्ट साइड पे एक मल्टीमीडिया स्क्रीन मिलेगी। लेकिन आप सिर्फ ये देखें कि ये सिर्फ ड्राइवर फोकस है, अगर यहाँ पे साइड पे कोई पैसेंजर बैठा होगा वहाँ पे आपको ये स्क्रीन नजर नहीं आएगी। उसके लिए ये स्पेशली ऐसा लगता है कि डिज़ाइन हमारे लिए की सिर्फ ड्राइवर के लिए। लेकिन इसमें भी अभी काफ़ी फीचर्स हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले स्टीयरिंग व्हील देखते तो लेदर स्विच है, लेदर स्विच के साथ यहाँ पे मल्टी फंक्शन है, पैडल शिफ्टर भी ऑफर किया जाते हैं, सुपर स्पोर्ट्स बोर्ड मिलता है, यहाँ पे पैडल शिफ्टर मिलेंगे, स्टीयरिंग असिस्ट मिलेगा, फटीग असिस्ट का सेंसर ऑफर किया जा रहा है। ये सेंसर बेसिकली ये काम करता है जब आप गाड़ी को ड्राइव कर रहे होते हैं, ये ड्राइवर की अटेंशन देखेगा। अगर ड्राइवर इसको ऐसा लगेगा कि ड्राइवर ऐसा उसको नींद आ रही है, थोड़ी उसकी हैबिट चेक करेगा, जब हैबिट चेक करेगा आपको ऑटोमेटिक गाड़ी डिटेक्ट करेगी भाई आप गाड़ी को या तो साइड पर पार्क कर लें या तो ये गाड़ी स्टीयरिंग व्हील वाइब्रेट करने लग जाएगा कि भाई आप गाड़ी सही से ड्राइव नहीं कर रहे। तो यहाँ पे ये फटीग असिस्ट ये काम करता है। यहाँ पे जो ड्राइवर फोकस स्क्रीन्स मिलती है, एमआईडी स्क्रीन डिजिटल मिल जाती है जिसमें काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, सेंटर पे डिजिटल स्पीच शो करती है, रोड साइन असिस्ट मिलता है, डोर ओपन है तो डोर ओपनिंग वार्निंग मिल जाएगी, इस सेंटर पे आपको रेंज वगैरह की काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, गेयर्स की और जो इसमें एडास के फंक्शन होगी वो मिलेंगे। ये साइड पियानो ब्लैक में मिल जाती है। उसके अलावा इसका टच काफी आपको अच्छा मिल जाता है, जैसे कि आप देखें इसका टच काफी अच्छा। नेविगेशन सपोर्ट की तरफ जाए नेविगेशन मिलेगी, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, यहाँ पे एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले और यहाँ पे जो मजीद इन्फॉर्मेशन गाड़ी की होती है इसमें सारे फीचर्स स्क्रीन में नहीं दिए जाते। इसमें एक यहाँ पे भी स्क्रीन सेंटर कंसोल पे ऑफर की जा रही है जो कि इसके क्लाइमेट को कंट्रोल करती है। बट अगर आप यहाँ पे देखें मैनुअली बटन्स मिलेंगे, लेकिन ये मैनुअली नहीं है, इसके हम एयर फ्लो की स्पीड को टच से इंक्रीज़ कर सकते हैं। जैसे कि देखें ये वाइब्रेट भी होते हैं, ये मैं प्रेस नहीं कर रहा, सिर्फ वाइब्रेट हो रहे इसके बटन्स। अगर उसके अलावा अगर देखें तो ये आपको मिल जाता है इसका हेजलाइट स्विच का बटन। 360 कैमरा सेटअप में जाए तो 360 कैमरा इसका ये ऑन हो गया। बेसिकली अब आप इसकी कंप्लीट ओवरव्यू देखें स्क्रीन पे, यहाँ पे आपको 360 कैमरा मिल जाता है। जैसे कि आपने MG की काफ़ी व्हीकल्स में देखा होगा 2D 3D व्यू आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं। डोर की तरफ जाए, डोर इसका ओपन है तो यहाँ पे लेफ्ट डोर इसका अभी क्लोज है, यहाँ पे ऑप्शंस आप चेक कर सकते हैं, कंप्लीट 360 कैमरा का ओवरव्यू ले सकते हैं। व्हीकल ट्रांसपेरेंसी गाइडलाइंस में देखते तो बेसिकली गाइडलाइंस ऑन कर लेते हैं हम, व्हीकल ट्रांसपेरेंसी देखें तो व्हीकल ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। इसमें साउंड सिस्टम आपको काफ़ी यूनिक दिया जा रहा है, बोस कंपनी का प्रीमियम साउंड सिस्टम इसमें मिल जाता है। गेयर की सिलेक्शन आप बटन से कंट्रोल कर सकते हैं, ये साइड पियानो ब्लैक में मिलेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी आपको ऑप्शन दी जाती है जब आप इस गाड़ी को ड्राइव कर दे, क्योंकि 0 to 100 3.2 सेकंड्स है। परफॉर्मेंस फिगर्स की वजह से इस ये चीज़ आपको दी जाती है कि आप इसको पकड़ के इसको ड्राइव कर सकते हैं या तो अगर पैसेंजर बैठा वो इसको पकड़ सकते हैं। एयर वेंट्स इधर मिलते हैं, ये भी साइड लेदर स्टिच मिलेगी, सीट्स आपको लेदर मिलेगी, साथ सोफा सीट्स है, ये साइड आपको सोफा सीट्स मिल जाती है। एसी को अगर ऑटो पे करना चाहते हैं ऑटो पे कर सकते हैं, सेटिंग में जाए तो लो मीडियम वगैरह, यहाँ पे सिर्फ आपको एसी के कंट्रोल्स मिलेंगे। और अगर ड्राइविंग सेटिंग्स में जाते तो यहाँ पे लॉन्च मोड भी ऑफर किया जा रहा है, कस्टम स्पोर्ट और ट्रैक मोड मिल जाएगा, लाइट कंफर्ट, हैवी स्पोर्ट, स्टैंडर्ड नॉर्मल, ये फीचर्स आ जाते हैं। वन पैडल ड्राइव का मतलब है इसमें रीजनरेटिंग ब्रेकिंग भी ऑफर की जाती है। ESC बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम है, SRC मिल जाएगा, 360 व्यू कैमरा मिल जाता है अगर इसको ऑन करना चाहते हैं। अभी हम सीटिंग की तरफ जाए, सीटिंग्स आपको यहाँ पे पैसेंजर और ड्राइवर सीट लंबा सपोर्ट के साथ मिलेगी। अगर आप लंबा सपोर्ट ऑन करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इलेक्ट्रिकली ऑन करेंगे तो यहाँ से ड्राइवर पैसेंजर दोनों सीट्स की एडजस्टमेंट कर सकते हैं। एम्बियन लाइट्स की तरफ आ जाए तो यहाँ पे मैं पहले डोर को क्लोज करता क्योंकि डोर के ऊपर एम्बियन लाइट्स आपको नजर आएगी। यहाँ पे आप डोर्स के ऊपर एम्बियन लाइट्स देख सकते हैं, ये ओपन और क्लोज हो रही है। तो यहाँ पे मैं अभी लाइट को यहाँ से ऑप्शन इसकी ऑन करता हूँ तो ये इस तरह आप देख सकते हैं आपको इस कलर में मिल रही है। अभी मैं इसको पिंक कलर में करूँगा तो यहाँ पे एम्बियन लाइट्स इसकी पिंक कलर में ऑन हो जाएगी। अभी हम देखते ये पिंक कलर में होगी। 64 डिफरेंट कलर्स मिलेंगे। डोर एंड अनलॉक में जाते तो यहाँ पे डोर की सेटिंग्स आ जाती है। MG पायलट इस पर मिलता है जो कि 14 डिफरेंट फीचर्स मिलेंगे। वो फीचर्स इंक्लूड करते हैं स्टेबिलिटी कंट्रोल, कर्व ब्रेक कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल असिस्ट, इंटेलिजेंट हाई बीम, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग जो कि TPMS होता है। उसके अलावा इसमें ड्राइवर मॉनिटर सिस्टम मिलेगा, ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेकिंग आएगा, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल मिलेगा और ट्रैफिक जैम असिस्टेंट भी ऑफर किया जाता है। लेन कीप असिस्ट मिलेगा, लेन डिपार्चर वार्निंग आ जाता है, इमरजेंसी लेन कीपिंग असिस्ट आ जाता है, ब्लाइंड स्पॉट इंटेलिजेंस सिस्टम मिलेगा जो कि लेन कीप असिस्ट, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन, ICTA जो कि रेड क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट, ICTB मिल जाएगा जो कि रेड क्रॉस ट्रैफिक ब्रेकिंग है, DOW मिलेगा, ICW मिलेगा, ICW बेसिकली रेड कोलिजन वार्निंग है। डोर को ओपन कर क्लोज करना चाहिए, यहाँ से कर सकते हैं राइट लेफ्ट डोर्स को। मैं भी इस डोर को अगर क्लोज करना चाहता तो ये ऑटोमेटिक खुद ही क्लोज हो जाएगा और अगर यहाँ पे कोई ऑब्स्टेकल भी आएगा ये रुक जाएगा। तो इसमें ये फीचर ऑफर किया जा रहा है। उसके अलावा सेंटर पे इसकी रूफ को ओपन और क्लोज करना चाहते कर सकते हैं, 50 की स्पीड लिमिट तक भी आप इसको ओपन कर सकते हैं अगर ये 50 की स्पीड लिमिट पर चढ़ रही है। ग्रे गार्निशिंग इस तरफ आ जाती, कप होल्डर्स आ जाएंगे, की रखना चाहे रख सकते हैं।
आर्मरेस्ट को ओपन करते हैं तो यहाँ पे टाइप सी का पोर्ट मिलेगा, यूएसबी पोर्ट मिलेगा। क्योंकि ये टू डोर व्हीकल है तो यहाँ पे रे पे कोई सीट्स नहीं मिलेगी, यहाँ पे स्टोरेज कंपार्टमेंट रे पे मिल जाता है, साथ स्पीकर एक आ जाता है। यहाँ पे ऑप्शंस वगैरह आप चेक कर सकते हैं। बेसिकली इसमें बोस का प्रीमियम साउंड सिस्टम मिलेगा, वन सबवूफर ऑफर किया जाता है, मैनुअल डिमिंग मिरर इस तरफ आ जाते हैं, एडास फीचर्स आएंगे, रूम लाइट्स इस तरफ आएगी। भी मैंने रूफ को ओपन किया हुआ, अगर मैं रूफ को भी क्लोज करना चाहता तो यहाँ से इसकी रूफ को मैं क्लोज भी कर लूँगा और ये अंडर 10 सेकंड्स के अंदर क्लोज हो जाएगी। इसमें 6-way इलेक्ट्रॉनिक एडजेस्टेबल सीट्स मिलेगी, लंबा सपोर्ट मिलेगा, मेमोरी फंक्शन मिलेगी, ओवर स्पीड अलर्ट भी मिलता है। स्पेसिफिक व्हीकल में 4 एयरबैग्स मिल जाते हैं जो कि स्टीयरिंग व्हील पे, डैशबोर्ड और साथ सीट्स में एयरबैग्स मिलेगी। क्योंकि ये एमजी की एक स्पोर्ट्स कार है और ये फर्स्ट ऑफिशियल लॉन्च की गई है पाकिस्तान में। अभी तक कोई भी ऑफिशियल कंपनी की तरफ से स्पोर्ट्स कार नहीं पाकिस्तान में आ रही है। एमजी कंपनी ने पाकिस्तान में अपनी फर्स्ट स्पोर्ट्स कार को लॉन्च किया जो कि 100% इलेक्ट्रिक है। वीएस तो ये टू डोर व्हीकल के साथ आ रही है, सीजर डोर्स मिलते हैं तो फीचर्स तो इसमें लोडेड फीचर्स के साथ है। आप इस गाड़ी को डिस्प्ले यूनिट पे देखना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते एमजी सेंटर शारे फैसल कराची पे, शारे फैसल पे ये लोकेटेड है एमजी सेंटर। प्राइस क्या होने चाहिए, अभी तक एमजी कंपनी ने इसके प्राइस रिवील नहीं किए, लेकिन डिस्क्रिप्शन में आपको एक फॉर्म मिलेगा, आप वो फॉर्म फिल करें, खुद एमजी की जो कि टीम होगी वो आपको कॉन्टेक्ट करेगी और आपसे इसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेगी कि भाई इसके क्या प्राइस होने चाहिए। 2024 के एंड में इसके प्राइस भी फिर रिवील कर दिए जाएंगे। वीएस तो आपको रिव्यू कैसा लगा कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट रिव्यू के साथ।